तौर पर पांच बातों का मुख्य रूप से जिक्र है। पहली बात है रिलीफ तथा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन, अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा, जो काम आज प्रतिपादित हो गया है और मुझे लगता है कि सॉफ्ट लॉन्च में ही आज ऑफिशियली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं। दूसरा, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ऐसी सभी शिकायतों का टाइम बाउंड मैनर में निस्तारण किया जाएगा और सभी डिप्टी कमिश्नर से मेरा आग्रह होगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर प्रॉपर्टीज का सर्वे और फील्ड निरीक्षण दोनों 15 दिन में पूरा करके रजिस्टर को अपडेट करें और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें। चौथी बात, कि जिस किसी केस में एक्ट का वायलेशन हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेकर संबंधित डिप्टी कमिश्नर सरकारी आर्डर के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि टाइम बाउंड मैनर में ही अवैध कब्जेदार को बेदखल करके उसकी कस्टडी लें, माइग्रेंट परिवारों को उनका मालिकाना हक दिलाएं, कि संबंधित डीसीज इस मामले पर विशेष ध्यान दें और जैसे जैसे रिलीफ कमिश्नर के यहाँ से आपको सूचना जाए, मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस काम को कानूनी दायरे में, जो कानून बनाया गया है उसमें, समय सीमा के भीतर हम रिलीफ दे सकें। मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके, और मैं जानता हूँ कि यहाँ के आवाम की भावना भी यही है, और मुझे लगता है कि फिर से एक बार कश्मीर के गौरवपूर्ण इतिहास को लिखने में ये कानून और ये व्यवस्था मदद करेगी और सभी लोग मिलजुल करके जो हमारी साझी विरासत रही है जम्मू कश्मीर की, उसको फिर से यहाँ स्थापित करने में सफल होंगे।